हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल की ओर से। फाइनली यहां पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए अटेंडेंट ग्रेड वन की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। और कल मैंने आप लोग को जो वीडियो बना के अपडेट किया था इसरो का, उसमें मैंने बताया था कि वैकेंसी बहुत जल्द निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो हर एक विभाग में अब वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा गाइज। तो फाइनली न्यू वैकेंसी आ चुका है एनएफएल की ओर से, शॉर्ट नोटिस गया है गाइस। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आईटीआई सरकारी नौकरी के सेक्शन से यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आप सभी itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिए। तो गाइज, इस वैकेंसी का बहुत दिनों से वेट हो रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे। और बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है एनएफएल, जो है ये भारत सरकार का नवरत्न कंपनी है गाइज। यानी कि बहुत ही बेहतरीन जॉब है आईटी वालों के लिए, बहुत ही अच्छा मौका है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ठीक ठाक है। तो ये जो जॉब है परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यानी कि एनएफएल, इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और ये नवरत्न कंपनी है, भारत सरकार का है, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, परमानेंट जॉब है और एडवर्टाइजमेंट संख्या है 5 NFL /2024 और ये 9/10/2024 के डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना है। अब देखिए NFL का अलग अलग जगहों पे यूनिट है, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो फुल नोटिफिकेशन जब अपडेट होगा तो उसमें सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तो NFL का अलग अलग जगहों पे यूनिट है, जैसे कि नांगल पंजाब में यूनिट है, भतिंडा पंजाब में है, पानीपत हरियाणा में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, और इनका कॉरपोरेट ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में है और मार्केटिंग ऑफिसेस में है। तो अलग अलग यूनिट पर अलग अलग यहाँ पे पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशन पे भी रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे आईटी वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो अदर जो क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग का हो गया या और भी चीज का है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। मैं मेनली रूप से आईटी वालों की बात करूं तो आईटी वालों के लिए जो वैकेंसी रहेगा वो रहेगा अटेंडेंट ग्रेड वन का। तो यहाँ पे देखिएगा अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल, जिसमें फिटर ट्रेड एलिजिबल होंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। वहीं पे अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल वेल्डर में 3 पोस्ट है, अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट है, और अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल डीजल मैकेनिक में 2 पोस्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे टर्नर ट्रेड में देखिएगा तो टर्नर में 3 पोस्ट है, मशीनिस्ट में यहाँ पे 2 पोस्ट है, उसी तरीके से बोरिंग मशीन में 1 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेशन में 4 पोस्ट है, और यहाँ पे अटेंडेंट ग्रेड वन इलेक्ट्रीशियन में आप लोग का टोटल 33 पोस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मतलब ये मत समझ लीजिएगा ये इलेक्ट्रिकल है, नहीं, इसमें इलेक्ट्रिशियन ही एलिजिबल होंगे, 33 पोस्ट है। और यहाँ पे एक लोको अटेंडेंट ग्रेड 4 जो है, इसमें भी आईटी वाले शायद एलिजिबल होते हैं। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। तो अच्छा खासा आप सभी के लिए वैकेंसी है, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन रखा जाएगा और मतलब कि और सेलेक्शन प्रोसेस फीस, तो वो फुल नोटिफिकेशन आने पर पता चल जाएगा। तो अच्छा खासा मौका मिला है अलग अलग ट्रेडों के लिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, ये आप सभी देख सकते हैं। बाद बाकी ओवरऑल तो 336 वैकेंसी है, कुछ वो जो वैकेंसी है जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह वाले में, इसमें थोड़ा अच्छा खासा पोस्ट है, लेकिन आईटी वालों के लिए भी ठीक ठाक है पोस्ट गाइज। तो ये देखिए ये फॉर्म जो है जो 9/10 से स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं 9/10 से, और 8/11 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि 8 नवंबर तक मौका दिया गया है, लगभग 1 महीने का आप लोग का यहाँ पे समय दिया जाएगा गाइज। तो गाइज यही एक छोटा सा अपडेट था कि फाइनली एनएफएल की ओर से रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है गाइज, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, बाद बाकी itieducation.com पे ये नोटिस मिल जाएगा, तो वहाँ सबसे भी चेक कर सकते हैं। और जो भी वैकेंसी आएगा तो मैं उसका अपडेट आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।